नमस्ते सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर हुसैन सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू फेस टू फेस। ऐसा रिव्यू हमने कभी नहीं देखा होगा पहले, क्योंकि जो रिजवान सर जिस तरह से बाल की खाल उतारते हैं ऐसा कोई नहीं उतार सकता। चलिए मिलकर देखते हैं जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो साथियों कल जाके देख आया मैं फर्स्ट डे द केरला स्टोरी। ये शायद पहली मूवी है जो फर्स्ट डे ही मैंने देखी है। द कश्मीर फाइल्स भी शायद थर्ड या फोर्थ डे मैंने देखी थी। मूवी की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मेरी टीम ने मुझे दो तीन लोगों के वीडियोस भेजे जो इस पर अपना रिव्यू दे रहे हैं, वो फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। ऐसा हुआ, फिर तीन लड़कियां हुई, फिर वो नर्सिंग कॉलेज में गई, फिर ये हुआ, वहां स्कैंडल चल रहा था, फिर ये हुआ, उनको फंसा लिया गया। ये सब आप जाके फिल्म में खुद देख लीजिएगा, है ना। सीन बाय सीन स्टोरी बनाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि शानदार स्टोरी, शानदार स्क्रीन प्ले, शानदार डायरेक्शन, शानदार कैमरा मोमेंट, शानदार बिल्डअप, शानदार एक्टिंग, शानदार म्यूजिक जो साथ साथ चलता रहा है, शानदार मिक्सिंग ऑफ शॉट्स, क्योंकि ये फिल्म फ्लैशबैक में है, एंड वंडरफुली डिस्प्लेड जो आपके सामने लाके परोसा गया है, इट इज वंडरफुल। उस दिन मैंने जो दो वीडियोस अभी तक अपलोड करे हैं, ये लिंक नीचे आप उनको देख लीजिएगा। मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी कि जब मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी थी तो मैंने ये बोला था कि अगर मैं कश्मीर फाइल्स बनाता तो उसमें ये चेंजेस करके दिखाता, लेकिन इस फिल्म में साथियों ऐसा कुछ नहीं है जो चेंज मैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर करता, पर हाँ एक चेंज करता, और उसी वजह से 4.5 out of 5 स्टार दे रहा हूं मैं उसको, यानी 4.5 स्टार। अब आप कहेंगे इतनी तारीफ, इतना डायरेक्शन की तारीफ, स्क्रीन पे की तारीफ, म्यूजिक की तारीफ, एक्टिंग की तारीफ, अटायर्स की तारीफ, कपड़ों की तारीफ, सेट्स की तारीफ, तो यार ये क्यों आधा स्टार काट रहा है? इस वीडियो में बताऊंगा क्यों काट रहा हूं, और इसी को कहते हैं विश्लेषण। तो पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो इस फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में ये मैं बोल सकता हूं, बहुत ही डायबॉलिक फिल्म, बहुत ही फ्राइटनिंग फिल्म, ड्राउनी फिल्म, घिनौनी फिल्म इन द पॉजिटिव सेंस ऑफ कोर्स, दिल दहला देने वाली फिल्म, और मतलब हाँ, पर इट शुड हैव बीन एडल्ट्स। अच्छा हुआ कि इसको ए कर दिया गया, क्योंकि फिर बहुत असर पड़ता छोटे बच्चों पर जो इस फिल्म को देखते। तो शुरू से चलते हैं, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो उसके डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं या जो टीम है, उनको लीगल एडवाइजर जो भी मिले हैं बहुत शानदार मिले हैं, ठीक है। फिल्म की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा जैसे कुछ लोग सुना रहे हैं। जब ये मूवी खुलती है तो लिख के आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स, ट्रू एवेंट्स। जैसे ये चीज खुली तो मैं डायरी लेके गया था, आई वॉज नोटिंग डाउन द पॉइंट्स। जैसी मूवी खुलती है मैंने खट से ये पहली चीज नोट करी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू एवेंट्स। इस लाइन के पीछे बहुत राज छुपा है। जब एक फिल्म होती है बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स या अ ट्रू स्टोरी, तो लीगली आप बाद में उसको चैलेंज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स या अ ट्रू स्टोरी। जब भी डायरेक्टर इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स लिख देता है तो उसको अधिकार हो जाता है, या कोई राइटर इंस्पायर्ड कि वो उसमें अपनी सिनेमेटिक लिबर्टी ले सके। तो जैसी मैंने ये लाइन देखी मैंने कहा गुड एडवाइस जिसने भी की है टीम को। तो पहली तो ये चीज है कि जब डायरेक्टर ने खुद लिख दिया इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स, तो आप उसको पल पल शॉर्ट शॉर्ट स्क्रीन स्क्रीन के लिए हर चीज के लिए नहीं पकड़ सकते,
कि भैया वो तो मेडिकल कॉलेज में गई थी, तुम नर्सिंग होम क्यों दिखा रहे हो, नर्सिंग कॉलेज क्यों दिखा रहे हो, वगैरह वगैरह। जैसा इसमें दिखाया गया है कि लड़कियां नर्सिंग में जाती हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि उनको बाहर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत अच्छी चीज उठाई डायरेक्टर ने, क्योंकि केरल की जो लड़कियां हैं जो ज्यादातर बाहर गई हैं, वो प्राइमरली जो वुमेन वर्कफोर्स है वो एज नर्सेस गई हैं, एज कीपर्स गई हैं, हाउस कीपर्स एंड नर्सेस। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज इन्होंने दिखाई है, सेट्स, कपड़े। और फिर जो उन्होंने जैसे ही मूवी खुलती है और वो जब दिखाते हैं कि वो नर्सिंग होम पहुंचती हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे लिखा हुआ है फ्री कश्मीर, कश्मीर की ग्रेविटीज लिखी हुई हैं। बहुत खूबसूरत चीज दिखाई है। केरल में कश्मीर का सपोर्ट हमेशा से होता आया है और खुल के होता आया है, कश्मीर से मतलब आजाद कश्मीर का लेके, क्योंकि वहां पर जैसा मैंने अपने दो वीडियोज में बताया था, जो पीछे लिंक नीचे मैं लिंक दे के चल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, कि वहां पर जो इस्लामाइजेशन था सोसाइटी का, वो कश्मीर तो एक पूरा ही मुस्लिम स्टेट था, सिर्फ कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू, यहां पर शुरू हो गया था। एंड दे वर गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ कश्मीर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज दिखाई है, खूबसूरत चीज दिखाई है। उसके बाद जब मूवी आगे चलती है, तो जैसा मैंने अपने दो वीडियोज में आप लोगों को बताया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि लोग कहते हैं कि साहब ये गिनती कैसे हो कि कितने लोग गए। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, आप लोगों को सबको याद होगी, अभी हाल का वीडियो है, कि भाई वो इंडिया से सीरिया लड़ने के लिए नहीं गए, एम्बेसी नहीं गए सीरिया की, अब क्या हमें वहां पे लड़ने जाना है। वो कहां गए, मिडिल ईस्ट गए, मिडिल ईस्ट से अपने तरीके से, या फेक पासपोर्ट से, या कैरियर्स के थ्रू, या रिक्रूटर्स के थ्रू, किसी तरह से उनको इराक सीरिया बॉर्डर ले जाया गया, जो ऑक्यूपाइड लैंड था। यहां पर क्या दिखाया गया कि वो पहले श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका से कोटा जाते हैं, फिर कोटा के बाद वो इलीगली ट्रेवल करना शुरू करते हैं। बहुत ही सटीक चीज दिखाई है, जो फिल्म रिलीज होने से पहले आपके भाई ने इन दो वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन है आप लोगों को बताया था, कि कोई बहरीन गया, कोई कतर गया, कोई सऊदी आ गया, कोई तुर्की गया, कोई इजिप्ट गया, कोई लीबिया गया, फिर वहां से ट्रेवल करके, जो भी, अभी मैं इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया की। ये बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाई। अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट था आपने रख दिया, फेक पासपोर्ट पे आपने कोटा के बाद ट्रैवल करना शुरू किया, या कोलंबो के बाद ट्रैवल करना शुरू किया। तो इंडियन अथॉरिटीज के हिसाब से अगर आप वहां पे लड़के वापस भी आते हैं एक साल बाद, तो आप तो बताएंगे मैं वहां काम कर रहा था, वहां का अपना सिंडिकेट है मिडिल ईस्ट का, श्रीलंका का, नेपाल का। और जब वहां के आपका पासपोर्ट खोल के देखेंगे, तो वो देखेंगे कि साहब ये बंदा तो कोची से श्रीलंका गया था, ये बंदा तो कोची से बहरीन गया था, और वही इसका पासपोर्ट बता रहा है। तो यही जो मैं आप लोगों को दो वीडियो से समझा रहा था, और अदिति की शादी मेरा एक डिबेट शो हुआ था अदिति त्यागी जी के साथ, उसमें भी मैंने यही चीज़ समझाई थी कि भाई इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई गई, ये नहीं दिखाया गया कि वो यहाँ से तैयारी ही करके जा रहे हैं वहाँ लड़ने के लिए, और क्या फेक पासपोर्ट पे जा रहे हैं या ओरिजिनल पासपोर्ट पे जा रहे हैं। तो जवाब है, जब आपने कोची छोड़ा या केरल छोड़ा, तो आपने ओरिजिनल पासपोर्ट पे छोड़ा, फेक पासपोर्ट आपने बाद में लिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाई इस मूवी का। साथियों जो बिल्डअप है वो मेरे हिसाब से मुझे कश्मीर फाइल से ज्यादा बेटर लगा। लोग कश्मीर फाइल के साथ इस मारे ज्यादा कनेक्टेड फील किया लोगों ने, क्योंकि वो स्टोरीज बहुत दिल से, वो किस्से, वो घटनाएं, वो दुर्घटनाएं लोग सुनते आ रहे थे। ये एक लोगों को नई चीज मिल रही है। तो हो सकता है कुछ लोग इसको बिल्कुल एक मिथक माने या प्रोपोगंडा माने। आगे बढ़ते हैं। 32,000 लड़कियां ट्रेन करके, कन्वर्ट करके लड़ने के लिए भेजी गईं। ये टीजर में आया था, और आपके भाई ने दोनों वीडियोस में ये बोला था, जो लिंक में दिखा रहा हूं, कि भैया टीजर के बाद फिल्म आने दो, पता चलने दो कि वो क्या बोल रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। वो ही चीज फिल्म में हुई है। सैल्यूट टू द डायरेक्टर कि उन्होंने टीजर में एक डायलॉग दिखाया। भैया उनका भी काम है, वो भी फिल्म मेकर हैं। देखो पूरे देश में हिस्टीरिया हो गया, और फिल्म में आने के बाद उन्होंने वो चीज बताई कि भाई असल में 30,000 या 32,000 का मामला क्या था। जो कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे
कि पहले तुम 32,000 की बात कर रहे थे, अब तुम 3 की कर रहे हो प्रोटेस्ट होने के बाद। याद है ना, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, कुछ जाहिल कुछ मूर्ख खुश हो रहे थे, उनको भी डायरेक्टर ने जवाब दे दिया कि स्टोरी ये प्राइमरली 3 लड़कियों की है, लेकिन जो बैकड्रॉप है वो 30,000 लड़कियों का है, लेकिन पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग ऐसा नहीं आता कि 30,000 लड़कियां कन्वर्ट करके ट्रेन करके वहां लड़ने के लिए भेजी गई। 2 जगह सिर्फ 30,000 का नाम आता है, ये फिगर आता है, और ये कन्वर्जन को लेके आता है कि इतनी लड़कियां कन्वर्ट हुई, और एंड में ये नाम आता है कि इतनी लड़कियां केरल से मिसिंग हैं। वो मिसिंग मैंने मान लिया हर स्टेट से हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ केरल से है। केरल तो मिसिंग की लिस्ट में कम से कम 7th या 8th आता है, वो हर जगह है। लेकिन डायरेक्टर ने अपने कार्ड्स बहुत ही सेंसिबली खेले हैं, और डायरेक्टर ने ये चीज अब आप पर छोड़ दी है कि आप ये अनुमान लगाइए कि जो 30,000 मिसिंग गर्ल्स ऑफ केरल हैं वो कहां हैं, या जो कन्वर्ट हुई हैं उसका जो आधार लिया है डायरेक्टर ने, वो एक्स चीफ मिनिस्टर का, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बयान लिया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 साल में लगभग 3,000 लड़कियां कन्वर्ट करी हैं। ये वहां के चीफ मिनिस्टर का हाईकोर्ट पे एफिडेविट है, उससे इन्होंने मल्टीप्लाई करके एक एम्पेरिकल स्टडी करके एक फिगर निकाला है 30,000 का कन्वर्जन का, और एक निकाला है मिसिंग का। अब ये डायरेक्टर ने ओपन टू पब्लिक छोड़ दिया है कि आप उस चीज को इंटरप्रिट कैसे करते हैं। डायरेक्टर ने पूरी मूवी में एक भी डायलॉग ऐसा नहीं दिया है जो ये बताता है कि 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट करके लड़ने के लिए भेजी गई। सो ये जितनी भी कंट्रोवर्सी थी इस पर लग गया है फुल स्टॉप। स्टोरी ये 3-4 लड़कियों की ये है, क्योंकि जब भी एक मूवी बनती है, अगर कारगिल पर मूवी बनी, मान लीजिए हमारे कैप्टन बत्रा पे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उन पर मूवी बनी थी, ठीक, तो मूवी तो उन पे बनी थी ना, जो अभी आई थी, मैंने देखी नहीं है बिहार में, तो जो मूवी तो उन्हीं पे बनी थी, पर क्या इसका मतलब ये हो गया कि कारगिल में और लोग वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, शहीद नहीं हुए? हुए ना। तो ये डायरेक्टर की सिनेमेटिक लिबर्टी है कि वो एक बड़ी स्टोरी में से, बड़े कैनवस में से छोटी स्टोरी किसकी उठाता है और उसको प्रोटैगनिस्ट बना के उसी स्टोरी को लेकर चलता है, बैकड्रॉप में और चीजें होती रहती हैं। तो 32,000 की बात भी सही है, बहुत अच्छी तरह कार्ड्स खेले हैं डायरेक्टर ने, क्लियर कर दिया, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 3 लड़कियों पर स्टोरी है, ये बात भी सही है। और जो बकवास कर रहे थे कि डायरेक्टर ने डर डर के 30,000 से घटा के 3 कर दिया है, उनके मुंह पर भी ताला लग गया है। और डायरेक्टर ने मिसिंग लड़कियों की बात की है, कन्वर्जन की बात की है, और ये बाकी आप लोगों पर छोड़ दिया है, ये हो गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो फिल्म का इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर आगे जाना, ट्रैवलिंग किस तरह से ये एंटर करे, परफेक्ट दिखाया है, परफेक्ट। पर आप लोग फिर सोच रहे होंगे यार ये ओवर स्मार्ट बनता है, 4.5 स्टार क्यों दे रहा है, 5 स्टार क्यों नहीं दे रहा है। आऊंगा अभी, क्योंकि कहा था ना स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। मेकअप लाजवाब, मेकअप इज लाजवाब। जो इसकी मेन कैरेक्टर है शालिनी, इसका फातिमा नाम जिसका दिखाया गया है, और ये सब फैक्ट्स हैं, उसका जो मेकअप किया है भाई वो देखना, इवन उसके जो हाथों का मेकअप किया है, उसके नाखूनों का जो मेकअप किया है देखना। अफगानिस्तान के एरिया की वेदर कंडीशंस में अगर आप वहां के ओरिजिनली नहीं हैं बाय बर्थ, और आपको नेचुरली कोई स्किन केयर वहां पर नहीं मिल रही है, जिस हालात में ये लड़की दिखाई है वहां पर गई, स्किन केयर शब्द पकड़ के चलिएगा, आप कहेंगे इस मूवी में कमबख्त ये स्किन केयर कहां से आ गई, है ना, वैसलीन कहां से आ गई, तो आपकी स्किन जिस तरह से क्रैक करती है यार, ये आप लोग देखना, क्रैक करती है, फटती है, जिसको हम लोग अपने विंटर्स में देखते हैं, फटती है, वहां पे एटीट्यूड और हाई है, ऑक्सीजन कम है, ठीक, लाजवाब। उसकी जो स्किन के फ्लेक्स दिखाए, फ्लेक्स, डेड स्किन, डेड स्किन देखना, उसके हाथों को देखना, क्या मेकअप किया है करने वाले ने,
खूबसूरत, माने इतनी फाइन डिटेलिंग, इतनी फाइन डिटेलिंग, क्योंकि हम भी अपने आप को बड़ा आक्रमण समझते हैं, मतलब मजा आ गया भाई देखकर। ये सब चीजें नोट करना, जूते गंदे जूते दिखाए हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी देखे, अब जीएसटी में आप नेल पॉलिश दिखा देते तो पूरी मूवी बेकार हो जाती। सो वंडरफुल मेकअप, वंडरफुल, फिर से दोहरा रहा हूं, मतलब जाओ और देखो। देखो यार, किसी पिक्चर को हिट कराना फ्लॉप कराना मेरा काम नहीं है, मैं तो एक सिनेमैटिक क्वालिटी के हिसाब से बात कर रहा हूं। डायरेक्शन, म्यूजिक, स्टोरी लाइन में कोई वो नहीं है, स्टोरी लाइन पूरी दुनिया जानती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इस फिल्म में, तो जब ये लड़कियां अपनी नर्सिंग कॉलेज में दिखाई हैं, तो एक रूम में चार लड़कियां दिखाई हैं, एक कम्युनिस्ट दिखाई है, हिंदू कम्युनिस्ट, एक हिंदू दिखाई है शालिनी, एक क्रिश्चियन लड़की दिखाई है कैथोलिक, और एक वो मुस्लिम लड़की दिखाई है हिजाबन। जिस तरह से इन लड़कियों को मोल्ड करने की कोशिश की जाती है, देखो यार मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की इस तरह से मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़की को मोल्ड करेगी, ठीक, पर क्योंकि ये फिल्म एक घटना पर आधारित है जो सत्य है, तो उसी घटना की नजर से इस पिक्चर को देखो। डायरेक्टर का मतलब ये नहीं था कि यार सारी लड़कियां उस नर्सिंग होम में मुस्लिम लड़कियां ये ही कर रही थीं, ये मतलब नहीं है डायरेक्टर का। डायरेक्टर तो एक सिंडिकेट, एक स्कैम को पकड़ के चल रहा है, ठीक, तो वो तो अपना जो सिनेमेटिक दायरा है उसी में रख के आपको दिखाएगा ना कि कैसा हुआ होगा या कैसा बताया गया। तो जिस तरह से इनको ट्रैप किया जाता है वो वंडरफुल डिस्प्ले है, वंडरफुल, मतलब कितनी मैं एडजेक्टिव यूज करूं उसके लिए। अब उसके बाद जब ये डेवलप होती हैं, ये फंसती हैं, फिर यहां वहां जाती हैं, ये सब आप लोग मूवी में देख लेना, ये सब आप लोग मूवी में देख लेना। मुझे तो कुछ मोटी मोटी बिंदुओं पर बात करनी थी, एक 32,000, एक तीन लड़कियों की स्टोरी क्यों बताई जा रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक जगह डायरेक्टर साहब ने कमी करी, और वो कमी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है, वो नहीं करनी चाहिए थी। होता ये दोस्तों कि हम सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और हम सबको अपनी अपनी मान्यताओं को लेके कोई अगर आपको उन पर सवाल पूछे तो आपके पास उनका जवाब होना चाहिए, ठीक। अब जैसे इस फिल्म का जो डेवलपमेंट, जो डेवलप हुई ये फिल्म, ये इस तरह से हुई कि वो जो मुस्लिम लड़की इन लोगों को सबको ये एहसास कराती है कि जो तुम्हारा गॉड है वो कमजोर है, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारा माइंड रिलीजन को लेके क्लियर नहीं है, आओ इस्लाम की तरफ आओ, और वो अपने कुछ रीजंस बताती है, और इन लड़कियां, ये लड़कियां उन रीजन से धीरे धीरे कन्विंस होती जाती हैं। मूवी का प्लॉट एक रूम से शुरू होता है हॉस्टल के, प्लॉट मूवी तो पहले शुरू होती है, और ये दिखाया जाता है कि उस रूम में तीन लड़कियां गैर मुस्लिम हैं और एक लड़कियां, एक लड़की मुस्लिम है, और वो एक लड़की तीनों मुस्लिम लड़की को, तीनों तीनों नॉन मुस्लिम लड़कियों को चिकरगन्नी की तरह घुमा देती है, तीनों को, यानी उसका जो हिट रेशियो है वो 100% दिखाया है। और हिंदू लड़की को जब आप मूवी देखोगे आपको पता चलेगा महामूर्ख दिखा दिया है, हिंदू लड़की के पास कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है जो उसके पास काउंटर के लिए होता है जब उसके रिलीजन पे अटैक किया जाता है या हिंदू धर्म सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं। अब इस पर एक बात आएगी कि भाई डायरेक्टर तो एक प्लॉट लेके चल रहा था ना, तो वो प्लॉट के हिसाब से उसने सही दिखाया है, बिल्कुल सही है। अगर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जिसने शानदार फिल्म बनाई है जहां प्रोपागेंडा का कुछ भी नहीं है, वो ये दिखाता इन द मूवी, मूवी लंबी है तो अगर 3-4 मिनट भी वो निकाल लेते इसके लिए, 3-4 मिनट आराम से निकल सकते हैं, और 3-4 मिनट बहुत होते हैं, या किसी मीटिंग में या एक्चुअल घटना में, कि इस तरह के केरल में प्लॉट और चल रहे थे या नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी कहीं चल रहे थे, लेकिन वहां पर उन गैर मुस्लिम लड़कियों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया क्योंकि वो लड़कियां अवेयर थी सनातन के बारे में, क्योंकि उन लड़कियों के पास सवालों के जवाब थे।
अब जैसे इसमें एक बात आती है कि जो भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा सका प्रभु राम को लेके, तो इसका एक काउंटर ये आता है कि भाई हमारे हजूर भी पैगंबर थे, हमारे हजूर भी पैगंबर थे, जो हम मुसलमान मान के चलते हैं और मान के चलना पड़ेगा। उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, वो भी लड़ाई हारे, लड़ाई में उनको चोटें आई, वो भी बीमार हुए, उनके भी बच्चों की मौत हुई, उनकी भी जो डेथ हुई वो बड़ी अर्ली हुई, बीमारी से हुई, वगैरह वगैरह। अब आप हिंदू मुस्लिम के आर्गुमेंट में ना पड़िएगा, ये मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। तो एक आदमी कह सकता है भैया वो भी तो पैगंबर थे, अल्लाह के चोजन बन थे, तो उनके बच्चे क्यों मर गए, उनका साथ ऐसा कैसे हो गया, वो एक साथ क्यों नहीं उन्होंने इस्लाम फैला दिया, ऐसा क्यों नहीं हो गया उन्होंने तलवार चलाई और सब सामने के लोग मर गए। तो ये भी इसका एक जवाब है। तो जब आप एक मुस्लिम से ये बात बोलेंगे तो वो आपको कोई इसका जवाब देगा, कोई एक्सप्लेनेशन देगा। मैं हिंदू मुस्लिम में जा ही नहीं रहा हूं इस पिक्चर में, क्योंकि ये पिक्चर एक घिनौना सच है और ये एक प्लॉट पर आधारित है, ठीक। लेकिन जब इस तरह की बात कोई प्रभु राम के लिए करेगा कि भैया जाके उठा लाते ना सीता माता को, कैसे कोई ले गया, तो आपके पास उसका एक जवाब होना चाहिए। और जवाब है, वो जवाब में मैं जाना नहीं चाहता, वरना तो ये थियोलॉजी पर वीडियो बन जाएगा। तो वो जवाब भी इस मूवी में साथ ले लेके चलना चाहिए था, और इस मूवी में डायरेक्टर को यह दिखाना चाहिए था कि जो हिंदू लड़कियां अपने अकीदे की, अपने मानता की मजबूत थीं, उन पर यह जादू नहीं चला। जो कमजोर थीं, अपब्रिंगिंग को लेके विज अ विज रिलीजन, परवरिश मां बाप की परवरिश नहीं कि लड़की को बिगाड़ दिया, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, एट द रेट ऑफ रिलीजन, वो ही लड़कियां ट्रैप में आईं। तो एक मैसेज ये जाता कि भैया अगर तुम 100 जगह हाथ मारते हो तुम्हें कामयाबी 2 जगह मिलती है। यहां पर ऐसा लगा कि एक कमरे में एक मुस्लिम लड़की ने हाथ मारा और तीनों को लपेट के रह गई। क्रिश्चियन लड़की को एक शॉट है रेस्टोरेंट का, जहां पर ये लोग चारों लड़कियां खाना खाने जाते हैं, जहां ये प्लान था कि वो अपने 2 मुस्लिम लड़कों से इन चारों तीनों लड़कियों को मिलवाएंगी ताकि रिलेशनशिप डेवलप हो। तो मुस्लिम लड़की को वहां पे खाने से पहले दुआ करते हुए दिखाया और क्रिश्चियन लड़की को दुआ करते हुए दिखाया है, दोनों हिंदू लड़कियों को दुआ करते नहीं दिखाया। इट वॉज अ वंडरफुल शॉट फॉर ए लार्जर मैसेज। और मैं साथियों आप लोगों को एक बात बता दूं, इस मूवी में एक शॉट आता है कि वो कैथोलिक लड़की है, वो कन्विंस नहीं हो रही है, और ये दिखाया है वो एंड तक कन्विंस पूरी तरह नहीं होती, पर उसको ड्रग करके रेप किया जाता है, ड्रग करके, और ये भी एक कॉमन क्राइम है जो पूरी दुनिया में होता रहता है, पर वो दिखाया है वो कन्विंस नहीं होती। तो ये दिखाया है कि एक रूम में एक मुस्लिम लड़की 3 को कन्विंस करती है, 2 हिंदू लड़कियां पोपट होती हैं, वो फंस जाती हैं, क्रिश्चियन नहीं फंसती है। और क्रिश्चियन को भी ये दिखाया है कि वो खाने से पहले प्रेयर करती है जीसस को लेके, गॉड को लेके। और क्रिश्चियन लड़की को जब ये मुस्लिम लड़की को समझाया करती थी, वो कहती थी शट अप, गेट लॉस्ट, भाग जाओ, मुझे ना समझाओ। तो ये दिखाया है क्रिश्चियन को। ऐसे कुछ शॉट हिंदू गर्ल्स के भी इधर उधर सर्कुलेटिंग इन द बैकड्रॉप होने चाहिए थे कि ये एक बड़ा प्लॉट है, इट इज अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये नहीं है कि इसमें सभी हिंदू लड़कियां फंस रही हैं। तो एट द जो मैंने 4.5 बोला कि डायरेक्टर ने जब हिंदू धर्म पर हमला हुआ इस मूवी में, उसका काउंटर इस फिल्म में नहीं दिखाया है, एट सम अदर सीन, एट सम अदर प्लॉट जो साथ साथ चल रहा है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी चीज, जो 2 हिंदू लड़कियां कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाती हैं, उनको किसी रिलीजियस रियलाइजेशन की वजह से, सनातन की शक्ति की वजह से वापस सनातन में आते हुए नहीं दिखाया है। उनको वापस आते सनातन में दिखाया है, अपनी गलती का एहसास करते हुए। कैसे दिखाया है कि जब उधर मुसलमानों ने उनके साथ गलती करी तो वो वापस सनातन में आई। अगर ये मुसलमान गलती ना करते, एक सिंपल स्टोरी होती कि भाई एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने एक लड़की से शादी करी, उसको कहा तुम हिजाब पहनोगी, बुरखा पहनोगी, वो पहनने लगी, लड़का दफ्तर जाने लगा, लड़की कहीं टीचर बन गई, अपना काम करने लगी। तो इस हिसाब से डायरेक्टर ने दिखाया है कि भैया यहां तक तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो वहां शुरू हुई जहां तुम उसको लड़ाने के लिए ले गए और वहां उसके साथ रेप हुए। That is a very important point. कि इस पूरी मूवी में जब आप ये मूवी देखोगे तो इस पूरी मूवी में सनातनी शक्ति नहीं दिखाई गई,
इस मूवी में दिखाया गया, मुसलमान ने जब चाह ट्रैप किया, मुसलमान ने जब चाह यूज किया, मुसलमान ने जब चाह अब्यूज किया, और अब्यूज होने के बाद लड़कियां वापस सनातन में आ गईं। तो बोथ द हिंदू गर्ल्स दो ही थी, या तो आप आठ दिखाते कि छह में तो भैया अकल थी। उन्होंने कहा भैया हमें ना समझाना, सनातन से बड़ा कुछ नहीं है, सनातन से पुराना कुछ नहीं है। सो कुल मिला के अगर आप ब्रुटैलिटी ऑफ आइसिस, आइसिस वॉज ए, अगर हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, अच्छा मैं जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेता हूं, हम उसको बीप कर देते हैं क्योंकि इससे रीच घटती है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो कुछ लोग कहते हैं भाई साहब आप डर गए क्या, तो यहां भी समझ जाना बीप क्यों सुनी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम दे रहे थे। उसके अगर हम किससे माइनस कर दें, जो वहां ब्रुटैलिटी हुई, जो उस मुस्लिम लड़के ने केरल की लड़की के साथ रेप किया, उसके वगैरह वगैरह, फिर उसने सुसाइड करी, तो भाई अगर हम उसको माइनस कर दें तो विद इन केरल, तो डायरेक्टर ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि अगर आप इस्लामी तहजीब से चलेंगे तो सोसाइटी में आपको कम प्रॉब्लम होगी। दिस वॉज अ मिस्टेक। सनातन शक्ति डायरेक्टर को साथ ले लेके चलनी चाहिए थी और यह दिखाना चाहिए था कि बाकी लड़कियां स्ट्रांग स्नातनियां थीं, ये दो कमजोर थीं, किस वजह से कमजोर थीं ये भी दिखाना चाहिए था। इनको एक डिस्प्यूटेड फैमिली का दिखाना चाहिए था, इनको एक डिस्टर्ब्ड फैमिली का दिखाना चाहिए था, इस मारे की ट्रैप में आ गई। आपने एक परफेक्टली कल्चर्ड हिंदू लड़की को इतना इजिली ट्रैप में आते, मुस्लिम लड़की से कन्विंस होते, अपने ही धर्म पर सवाल पूछते, नहीं दिखाना चाहिए था। और अगर दिखाना चाहिए था तो कुछ मजबूत स्नातनियां भी दिखानी चाहिए थी। ओवरऑल कहीं कहीं डायरेक्टर जाने अनजाने इस्लाम का प्रचार करता नजर आया है, रादर देन इस्लाम को एज अ लार्जर पिक्चर टारगेट करते हुए प्रचार कर दिया इस्लाम का, टारगेट किया एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। मेरी नजर से देखिएगा तो इस गहराई तक पहुंचेंगे, पर देखिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था डॉक्टर रिजवान सर का और वो केरला स्टोरी रिव्यू दे रहे थे फिल्म का, और हमने पहले ही कह दिया था कि जैसा रिव्यू रिजवान सर देंगे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे फिल्म रिव्यू देने वाले होते हैं लेकिन वो सिर्फ वो स्टोरी फिल्म और उस पर ही ध्यान दे के वो चीज़ें बताते हैं कि फिल्म ऐसी थी, वैसी थी, स्टोरी थी, मज़ा आया, नहीं मज़ा आया, फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक फिल्म एक हिस्ट्री रिलेटेड है और बहुत सारे ऐसी घटनाओं से पूरा फोकस्ड करके बनाई गई है और मान के चलते हैं कि ऐसा ही हुआ था माजी में, और ये इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो कि अब जो मुद्दा जिस पे आवाज़ उठाई जा रही है कि किस तरह से 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करके सीरिया, इराक, शाम और कहीं कहीं और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया, और कहां से हुआ, ये इंडिया की एक स्टेट केरला से हुआ, और केरला क्योंकि वहां पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहां पे भी उसका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि केरला में ये सारी चीज़ें आसान है और कर लिया वहां पे और अभी भी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये फिल्म आ गई और फिल्म बन गई और लोग अब देखेंगे भी, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो देखी जहां पे पब्लिक रिव्यू दे रही है और पब्लिक इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपना दिखा रही है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से कश्मीर फाइल में हुआ था। कश्मीर फाइल देखी लोगों ने, लोग रोते हुए निकले, और जो चीज़ें और जिस तरह से वो ट्रेजडी थी, खैर ट्रेजडी तो ये भी बहुत बड़ी है, लेकिन ये ठीक है, अब इस पर बहुत ज़्यादा पहले से ही डिस्कस कर लिया गया क्योंकि कश्मीर फाइल पहले इतना डिस्कस नहीं हुई जितना बाद में फिल्म रिलीज होने के बाद हुई, और बहुत देर तक उस पर डिस्कस होता रहा कि हिंदू पंडित के साथ कश्मीर में जो जुल्म हुआ उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, सिर्फ वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे उनके लिए बात होती रहती है, जो हिंदू पंडित के साथ हुआ उस पर। लेकिन ये जो केरला स्टोरी है ये खबरों में, ये न्यूज़ में ये पहले रही है कि किस तरह से लड़कियों को वर्गलाया जाता है, हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को, जैन को, जितने भी दूसरे कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं उनको वर्गला के यहाँ से
इराक और सीरिया दाइश के जो लोग हैं ले जाते हैं और फिर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई तो ऐसी हैं जिनके नकाब उड़ा दिए जाते हैं और शादियां करवा दी जाती हैं, जो नहीं इस चुंगल में आती उनके साथ ज़बरदस्ती रेप किया जाता है और फिर उन्हें फोर्स से वहां से ले जाया जाता है। तो ये बड़ी एक दुखी ये कहानी है और ये बहुत सैड स्टोरी है इस स्टेट के लिए और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों से मुझे मेरी पर्सनली बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये सच है और ऐसा ही हुआ। फिल्म में फिल्म को बनाना है किस तरीके से, उसमें कुछ मसाला भी होता है और किस तरह से स्टोरी को कवर करना है, और रिजवान सर ने दिखाया कि बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया गया। तो सबको जाना चाहिए, ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, ये सबको देखना चाहिए। और दूसरा मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ मूवी है, ये बिल्कुल भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इस्लाम का ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी वो मौकफ नहीं देते कि इस्लाम कहता है कि ऐसा करो वैसा करो। ये खुद से ही लोग अब जो मुस्लिम अमल करते हैं और उसके नतीजे में अब घड़ लिया है कि इस्लाम ऐसा ही नहीं, बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है ऐसा। इस्लाम ऐसी किसी चीज़ की लिए नहीं कहता कि आप टेरर करो, आप दहशतगर्दी करो, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करो और फिर उनको शादियां कर दो और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल भी करो। ये बिल्कुल ही इस्लाम से दूर दूर की बात है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमें ये बिल्कुल मौक़िफ़ देना चाहिए कि इस्लाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी नहीं दिखाया गया, लेकिन दाइश किस तरह से लोगों को वरगलाती है और किस तरह से ये सारी चीज़ें की थी, इसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक तल्ख हकीकत दिखाई है ना उन्होंने कि ये हकीकत है इसमें स्टोरी में जो है ना बाबर भाई, ये है कि वहाँ पे जो है ना केरला के अंदर जो है जो हिंदू लड़कियाँ हैं या क्रिश्चियन लड़कियाँ हैं, जो जो भी उन वहाँ पे मज़हब रहते हैं, उनको वरगला के उनको पहले मुसलमान किया जाता है। मुसलमान करके फिर क्या होता है, उनको लेकर जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इराक में, शाम में या अफगानिस्तान में, तो उनको फिर अपने जो है ना आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दाइश का रही है वहाँ, और आज भी बहुत सारी इनमें लड़कियां अफगानिस्तान में कैद हैं। तो इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कर रही है इस्लाम के नाम पे दाइश, तो इसके ऊपर ये जो इस्लाम का जो है ना बदनाम, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं है? और कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या ऐसा होता है कि इस्लाम ऐसा करने की दावा देता है, या वाकई जो हम हैं, जो हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हो, कहीं आपने कहा कि किसी को, आपको कोई कहता हो कि भाई ऐसा करना है कि किसी को वरगलाना है, किसी को कन्वर्ट करना है, या किसी को इस तरह से जिस तरह से फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है? नहीं, फिल्म तो एक उन्होंने एक हमें तलख हकीकत दिखाई है ना, लेकिन हकीकत पे मबनी ऐसे तो नहीं ना कि हमें ऐसे तो नहीं ना कहा जाता कि भाई आपने ऐसे वरगलाना है लोगों को, ऐसे लेके जाना है या ऐसे लोगों को ट्रीट करना है। कुछ तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे, खासकर केरला जब दाइश फैलना शुरू हुई तो इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, पैसा देते हैं, सुनने में ऐसा आया, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा ये फैली नहीं, फंडिंग करते हैं ना, फैली नहीं, क्योंकि इंडिया में ये फैल गई। और ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट हैरान कौन चीज थी मेरे लिए कि इंडिया में दाइश किस तरह, इंडिया में नहीं सर, ये केरला में, केरला में ही, वो इंडिया के अंदर ही है केरला भी, वहाँ पे भी जो है ना वो इसलिए फैली कि वहाँ पे जो अक्सरियत जो है मुसलमानों की है, तो शुरू से वो स्टेट जो है ना इस्लामी नजरिए के ऊपर रहा, उसी से दाइश ने फायदा उठाया है। और जो सादा लोग इंसान होते हैं, जो जल्दी जो भटक जाते हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने फोकस किया और उन्हीं को उन्होंने वरगला कि उसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं, उसमें हिंदू लड़कियां भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, तो उनको उनकी जो है ना कमजोरी से उन्होंने फायदा उठाया। और खास करके केरला में ये देखने में आया है कि उन्होंने सिर्फ औरजात पे जो है ना अटैक किया और उनको वरगला के वो इस्तेमाल किया। पहली दफा दाइश देखें, हालांकि पहले जो है ना वो मर्द लोगों को ही वरगलाया जाता था, इस दफा ये थोड़ी सी उन्होंने उल्ट को जो है ना अपना नैरेटिव चेंज किया, लेकिन आखिर में देखा जाए तो मुसलमान और इस्लाम की ये बदनामी है, तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना उन्होंने ये स्टोरी बनाई है। तो और दूसरा देखें, जो हम बात करते हैं कि ये इस्लाम का इससे ताल्लुक नहीं है, हमारा इस्लाम ऐसे नहीं है, तो और कोई बहुत सारे लोग ऐसा है कहते हैं कि जो क्यों फिर इस्लाम से रिलेटेड है सारे दहशतगर्द तंजीमें, जिसमें अलकायदा है, जिसमें ये ISI है, जिसमें तालिबान है, जिसमें TTP है, जो मासूम लोगों को किस तरह मार देते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये बदकिस्मती समझ लें इस्लाम की और इस्लामिक लोगों की कि ऐसी तंजीमें उनके अंदर से ही, ये कसूर है हमारे लोगों का कि उन्होंने इनको पलने दिया और वो आज इस तरह एक बड़े। सर देखें ना कि ये जो तंजीमें हैं जितनी भी हैं, अब देखें दाइश है, अलकायदा है, इसके पीछे कौन है? अमेरिका है। जो भी ताकतवर हैं, जो भी हुक्मरान हैं, वो
अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने जो टीटीपी है, जो टीटीपी को पीछे हमारे थे बिल्कुल, लेकिन अलकायदा को देखे, अलकायदा को पीछे से फंडिंग जो थी अमेरिका की थी, लेकिन बनाने वाले तो हम ही है ना, ठीक है। और टीटीपी आ जाए तो टीटीपी भी अलकायदा का एक विंग है, ठीक है। उसके बाद फिर शाम और इराक में जो है दाइश बनी, तो उसके पीछे भी अमेरिका बहादुर का, वो अपने जो है ना, जो देखे जो चौधरी होता है ना, वो अब बनाने के लिए कुछ गुंडे पालता है, और फिर जब वो गुंडे उसको सीधे होते हैं तो फिर उसके एनकाउंटर करवाने की कोशिश करते हैं, ये दहशत गर्दी का नंबर ले लिया जाता है। तो यही सारी चीजें इनके पीछे बनाने वाले जो है, इसके पीछे वो अमेरिका बहादुर ही है। दाइश हो जाए, अलकायदा हो जाए, टीटीपी हो जाए, तालिबान हो जाए, अब चीज ये है कि इनके पीछे जो बनाने वाले हैं वो उनको जो वर्गलाते हैं, उनको पैसा, कुछ को पैसे से वर्गलाया जाता है, किसको, किसी को दीन के नाम पे वर्गलाया जाता है, किसी किसी नाम पे वर्गलाया जाता है। देखिए तो यही सारी हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है, यहाँ पे खास करके बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते नहीं। और वो दीन को भी उतना ही समझते हैं जितने के आम जो मौलाना है, हमारे मदरसों में पढ़ाया ही उतना जाता है, तो वो उन आयतों का चक्कर दे के, उनके हवाले दे के, तो उनको वर्गलाया जाता है बिल्कुल। और यही देखिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो खुद से सर्च नहीं करते, और ये जो हमारे यहाँ इतने ज्यादा फिरके, ये भी इसी बिना पे बन गए कि हमने उस तरह से देखा ही नहीं, अपने अहादीस को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, कुरान को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, और फिर हमने जो अब सोशल मीडिया पे हर चीज़ मौजूद है उसको अब बहुत ज़्यादा, जो उलमा इकराम है जो किसी साइड पे भी नहीं होते, जो फिरका वारियत की बात उनको नहीं सुना, तो ऐसे लोगों ने फिर बहुत सारे सादा लोगों को गुमराह भी किया, और उन्होंने अपना इस चीज़ को अकीदा बना लिया, और फिर इस तरह से आगे ये जो बुराइयाँ आगे फैलती हैं। बिल्कुल ऐसे, तो यही सारी चीज़ें हैं, और फिर उन ग्रोहों को जो है ना वो इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ जोड़ दिए गए। बदकिस्मती से देखें हम जितनी भी इस पे सफाइयां दे रहे हैं, देखिए सफाइयां है, लेकिन हम अपनी, अपने जात की, अपने मुआशरे की, और यहाँ पे जो रहते हैं हम, उसके जो हम देखते हैं, हमने तो कोशिश करनी है कि सच बोलें। अब कोई इस पे यकीन करता है नहीं करता ये अलग सी बात है, हम सफाई नहीं दे रहे, हम ये हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें मुस्लिम ममालिक में जो मुसलमानों की सबसे बड़ी खामी, जो आज की नौजवान नस्ल है, ये जो पीछे नस्ल चलेगी, दो तीन नस्लें ले लें, तो उनमें से अगर देखा जाए तो वो उनकी खामियां क्या है कि मुसलमानों ने अब वो मेहनत, वो स्ट्रगल करनी छोड़ दी है, शॉर्टकट के चक्करों में है हर कोई। तो जो शॉर्टकट के चक्करों में होता है, तो उन शॉर्टकट के चक्करों के जो नौजवान मुतवल्ली होते हैं, उनसे वो फायदा उठाती हैं तंजीमें, और उनको वर्गला के लेती हैं, किसी को दौलत का लालच देते हैं। एक हम तीन हैं, हम तीनों में से एक बंदे को उन्होंने दौलत का लालच दे दिया कि भाई आपने दोनों को ये आपका माइंड बनाना है और इनको लेकर जाना है, तो फिर क्या होता है, मेरे पास तो दौलत आई लेकिन दो के पास नहीं आई, लेकिन हम तीनों ही जो है ना उनके यहाँ में, उनके एजेंडे में वर्गलाए गए, उन इस्तेमाल हो गए। तो यही सारी चीजें हैं कि हमारा जो नौजवान है वो मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट के चक्रों में है, तो जिसकी वजह से वो फायदा उठाते हैं, और बदनामी एंड के ऊपर कैसी होती है, पाकिस्तान की और इस्लाम की। तो हमें ये कैसे, हम इससे निकल सकते हैं, तलीम के साथ, शऊर के साथ फिर ही निकल सकते हैं, और हमारा वो एजेंडा ही नहीं है, तलीम तो हमारा है ही नहीं, हमारा जो सबसे ज्यादा है वो दिफा का है, और दिफा हमारा जो है ना वो बहुत जबरदस्त हाथों में है, और जिन्होंने हमारा दिफा करना है उन्होंने अपने दिफा के लिए जो है बाउंड्रियां बनाई हुई हैं, और अपने कैबिनेट बनाए हुए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड बनाए हुए हैं, कंट बनाए हुए हैं, और जो कि इंडिया ने वो भी खत्म कर दी है, कैसी हैरानी की बात है। और यहाँ पे सारा का सारा पाकिस्तान मल गया उन्होंने, जैसे कम इल्मी की वजह से है ना। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।